किसी भी धार्मिक आयोजन, कथा, पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि के समय शंख बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूजा शुरू करने के पहले 3 बार शंख बजाने से वातावरण से सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो जाता है, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शंख की ध्वनि से देवता हमारी ओर आकर्षित होते हैं, इससे मन को भी शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त शंख की ध्वनि से पूजा की विविध वस्तुओं में चैतन्यता जागृत होती है ताकि पूजा सार्थक हो सके। किसी भी धार्मिक आयोजन, कथा, पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि के समय शंख बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूजा शुरू करने के पहले 3 बार शंख बजाने से वातावरण से सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो जाता है, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शंख की ध्वनि से देवता हमारी ओर आकर्षित होते हैं, इससे मन को भी शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त शंख की ध्वनि से पूजा की विविध वस्तुओं में चैतन्यता जागृत होती है ताकि पूजा सार्थक हो सके। कहा जाता है कि दक्षिणवर्ती शंख धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए धन लाभ और सुख समृद्धि के लिए घर में उत्तर पूर्व दिशा में अथवा पूजा घर में इसे रखना चाहिए। प्रतिदिन इसकी धूप दीप दिखाकर पूजा करनी चाहिए। पितृदोष के असर से बचने के लिए दक्षिणवर्ती शंख में पानी भरकर अमावस्या और शनिवार के दिन दक्षिण दिशा में मुख करते हुए तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे गृह कलहें, कार्यों में बाधा, संतानहीनता और धन की कमी जैसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। नवग्रहों की शांति एवं प्रसन्नता के लिए भी शंख को उपयोगी रत्न माना गया है। सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए सूर्योदय के समय शंख से सूर्य देव पर जल अर्पित करना चाहिए। चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर सोमवार को भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। मंगलवार ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करते हुए शंख बजाना आसान और श्रेष्ठ उपाय है। बुधवार ग्रह की प्रसन्नता के लिए शंख में जल और तुलसी दल लेकर शालिग्राम पर अर्पित करना चाहिए। वहीं गुरुवार ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को दक्षिणवर्ती शंख पर केसर का तिलक लगाकर पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। शुक्रवार ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शंख को श्वेत वस्त्र में लपेटकर पूजा घर में रखना चाहिए। धन धान्य एवं आर्थिक समृद्धि पाने के लिए शंख में चावल भरकर लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली तिजोरी अथवा धन रखने वाली अलमारी में रखना चाहिए।